हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय स्टडी में। सो प्रीवियस वीडियो में हमने 3.3 का क्वेश्चन किया, जिसके अंदर ये था कि हमें एक नंबर या तो ऐड करना था या सबट्रैक्ट करना था, जिससे हमारी जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3.2 का रहेगा, जिसमें क्वेश्चन ये है कि हमें किस वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू बन जाए। यानी कि 3.2 और 3.3 जो एक्सरसाइज है वो आपकी मिक्सअप चलेगी, तो आप डायरेक्ट 3.2 एंड 3.2 से स्टार्ट करें। उसके अंदर 3.2 एंड 3.3 के क्वेश्चन मिक्सअप रहेंगे। सो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। 3.2 क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाइड बाय का मीन क्या हुआ? आपको एक नंबर देंगे, क्वेश्चन में एक नंबर दिया होगा और क्वेश्चन में नंबर ये रहेगा कि जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो आपको वैल्यू होगी वो नॉट परफेक्ट होगी, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, उसे परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना है। तो या तो आपको उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या आपको उसे डिवाइड करने पड़ेगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बेसिकली हमारे पास मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, तो हमें ये चेकआउट करना है कि जो गिवन वैल्यू है उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। सो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन है 252 एंड 396। इन दोनों क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे। हमें उस वैल्यू को फाइंड करना है जिस वैल्यू से इसे मल्टीप्लाई करने पर ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, 252 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे हम। 2 से डिवाइड किया 1, 126 डिवाइड बाय 2 किया आपके पास कितना हो जाएगा 63, 3 से डिवाइड किया 21, 3 से डिवाइड किया 7, 7 से डिवाइड किया 1। सो आपके पास 252 के जो पेयर हैं वो बनेंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 7। क्लियर हुआ कि हमें जो वैल्यू गिवन है उसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमारे पास जो पेयर है वो 2 × 2 × 3 × 3 × 7 में बना। अब हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हमें उस होल नंबर को फाइंड करना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर 252 क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगर आप यहाँ चेक करें तो 7 सिंगल है, तो 7 का पेयर बनाने के लिए 7 हमारे पास डबल हो जाए, क्योंकि पेयर बनेंगे तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, किसको, 252 को, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। सो वी मल्टीप्लाई बाय 252, वी मल्टीप्लाई 7 बाय 252 फॉर मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि हम 252 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7 से, जिससे ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आंसर रहेगा 7 × 2 = 14 = 36, 176 फॉर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। यानी कि अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 252 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1764, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा। यानी कि सिंपल सी ये बात है कि आपको पेयर कंप्लीट करना है, यहाँ पे 7 सिंगल था, हमें इसको कंप्लीट करना है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 396। 396 को हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज बाय 2, 1 से किया 198, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 99, फिर 3 से डिवाइड किया 33, फिर 3 से डिवाइड किया 11, फिर 11 से डिवाइड किया 1। सिंपल है, फैक्टराइजेशन आप कर लोगे,
396 के अगर हम फैक्टर चेक करें तो 2 × 2 × 3 × 3 × 11। अब हमें 396 को परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाना है, तो बेसिकली आपको आंसर पता होगा कि हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 का पेयर आपके पास कंप्लीट है, 3 का पेयर कंप्लीट है, हम इसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी मल्टीप्लाई 396 बाय 11 टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट सिंपल है कि आपको ऐसे डिजिट को फाइंड करना है, ऐसा होल नंबर फाइंड करना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो हमारा ये मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है जो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि पेयर आपको कंप्लीट करने हैं। अगर आप 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इनटू 11 हो जाएगा, तो पेयर बन जाएगा, तो इस केस में ये क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो अब हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें क्या करना है, डिवाइड बाय विच होल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, फर्स्ट जो हमारा था मल्टीप्लाई का था, क्वेश्चन नंबर 5 है वो रहेगा हमारा डिवाइड का। जैसे आपकी बुक का क्वेश्चन है हमारे पास 1000, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड है 867, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम 1000 के फैक्टराइजेशन करेंगे, 1000 के फैक्टर, 2 से डिवाइड किया 500, डिवाइड बाय 2 250, डिवाइड बाय 2 125, डिवाइड बाय 5 25, डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 1। सो 1000 को डिवाइड किया 2 से 500, 2 से डिवाइड किया 250, डिवाइड बाय 2 125, तो फैक्टर क्या बनेंगे 1000 के, 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। तो अब हमें इसको क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, बट किस केस में, डिवाइड करना है। तो आप ये चेक करें कि परफेक्ट पेयर कौन सा बन रहा है। यहाँ आपके पास 2 कंप्लीट पेयर बन गया, यहाँ भी आपके पास 5 का कंप्लीट पेयर बन गया, और लास्ट में आपके पास वैल्यू क्या है, 5 × 2, 5 × 2 जा कितना हुआ, 10 हुआ। तो वी डिवाइड 1000 बाय 10 टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल है, जो पेयर बन गया वो एज इज रहेगा, अदर जो वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो अगर मैं 1000 को डिवाइड करता हूं किससे, डिवाइड बाय 10 से, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 100, और 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा 10 का होगा। सो बेसिकली ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें डिवाइड करना है।